SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर में बजरंग दल व भावसार समाज द्वारा शामगढ़ में हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता पर छेड़छाड़ के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और मामले को झूठा बताकर ज्ञापन के माध्यम से जांच करने की मांग की गई। नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे ये लोग दरअसल बजरंग दल एवं भावसार समाज के सदस्य हैं, जो शामगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले को झूठा बताकर जांच की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में बजरंग दल एवं भावसार समाज के सदस्यों ने बताया कि मंदसौर में लगातार धर्म विशेष एवं प्रशासन द्वारा समाज को टारगेट बनाकर छेड़छाड़ के झूठे मामले दर्ज कराकर कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है। इस हेतु सभी मामलों में जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जय सियरो। मंदसौर में जो भावसार समाज के थे हमारे, उनको टारगेट बना करके मुस्लिम समाज के द्वारा उनके ऊपर जबरन जो है छेड़खानी का आरोप लगा करके मुस्लिम लोग एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर के जबरन झूठी कार्रवाई करवाते हैं। उसके बाद एक शामगढ़ में जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उसके साथ ये लोग जबरन 100-200 लोग इकट्ठा होकर के मुस्लिम समाज के उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट के अलावा मारपीट करने के बावजूद फिर कायमी भी करवाते हैं। और यह जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार यहाँ का प्रशासन सब मिलकर के हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं को जबरन षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, मुस्लिमों के द्वारा झूठे मुकदमे बनवाए जा रहे हैं। तो ज्ञापन के माध्यम से आज हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं और मुसलमानों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो है हिंदू समाज को जबरन टारगेट ना करें। और अगर ऐसा होता है, ये परिस्थितियां नहीं रुकती हैं, झूठे मुकदमे अगर वापस नहीं लिए जाते हैं तो बजरंग दल पूरे ज़िले में पूरे विभाग में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के मंदसौर ज़िले के शासन और प्रशासन की रहेगी। मंदसौर में बीते दिनों जो घटना घटित हुई है, ईद के दिन एक भावसार समाज के हमारे मंदसौर में व्यक्ति के साथ, जुगल किशोर भावसार के साथ, जो मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने जो मारपीट की घटना करी है, उस जिस घटना को लेकर मारपीट करी है वो घटना जांच में पाई नहीं गई है और झूठा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया गया है। और शामगढ़ में हमारा कार्यकर्ता दीपक बैरागी के साथ जो घटना घटित हुई है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने उसने जिन लड़कियों और माताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करता था, हिंदू समाज की बहनों के साथ छेड़खानी कर रहा था, उसको रोका गया। तो रोकने पर उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर उस व्यक्ति को नग्न करके पीटा, जिसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मंदसौर में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है, सभी का सामूहिक रूप से एकत्रित होकर। आज विश्व हिंदू बजरंग दल द्वारा हिंदू समाज पे जो जबरन कार्रवाई की जा रही है छेड़छाड़ वाले मामले में, भावसार समाज के जो भी छेड़छाड़ नहीं करी है और दो दिन तीन दिन पहले उनके विवाद वादा लेन देन के मामले में और उसको झूठी कार्रवाई की गई है और इसी के द्वारा शामगढ़ सुहासड़ा में हमारे कार्यकर्ता बजरंगी पे मारधाड़ करी और 100 जने इकट्ठे उसको बहुत मारा है, उस पर भी झूठी कार्रवाई, उसी के ऊपर झूठी कार्रवाई कर दी गई। उस विपक्ष में भावसार समाज और विश्व हिंदू परिषद द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या बंद वगैरह भी किया गया है शामगढ़ में? वो संगठन के माध्यम से जो भी कार्यक्रम वो तो करना ही है। किस बात को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांगे आप? विगत कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि एक वर्ग विशेष द्वारा हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लोगों पर गलत आरोप लगाकर गलत कार्रवाइयाँ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें प्रशासन उनका पूरा सहयोग करते हुए और हिंदू धर्म के कई लोगों पर अभी कार्रवाई की जा चुकी है। जैसे पिछली बार मदारपुरा में हुई, अभी हमारे खानपुरा में हुई और शामगढ़ की तीसरी घटना आपके सामने है। क्या चाहते हो आप लोग?
हमारा कहना है प्रशासन वास्तविक स्थिति को जान के और वास्तविकता जानते हुए उसकी पूरी जांच करने के बाद जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।